तो देखो इधर सामने अगला है हमारा नाइट्रेशन ऑन बेंजीन, कैसे देख रहे हैं? लिखिए इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3 गिव्स नाइट्रेशन रिएक्शन विद बेंजीन। यानी हमारे पास ये बेंजीन है, हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, कंसंट्रेट HNO3 लिया, ठीक है, हमने दोनों ले लिया। हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पर? NO2। कैसे मैकेनिज्म होगी, क्या मैकेनिज्म होगी, देखिए मैकेनिज्म। कंसंट्रेटेड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब HNO3 और H2SO4 की बात करेंगे, वाटर नहीं है, कंसंट्रेट है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिड की तरह काम करेगा, और इस जगह ये क्या काम करेगा, बेस की तरह। ये एच इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा, H2NO3+, और ये बन जाएगा HSO4- बन जाएगा। अब इसके बाद H2NO3+ डिसोशिएट होगा NO2+ और H2O में। ये जो NO2 है, नेक्स्ट रिएक्शन में ये NO2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन के साथ, ओके? और वही मैकेनिज्म देगा जो जनरली अपन जो हाइड्रोजन रिप्लेस करने वाली मैकेनिज्म कर चुके हैं वही, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, NO2, और H+ बाहर निकल जाएगा, ये H+ इस H2SO4 के साथ अटैच हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया, सही है? तो इसके लिए की पॉइंट क्या रहेगा, इसमें दो तरह की मैकेनिज्म देखने को मिलेगी। फर्स्ट, इन अबव रिएक्शन फर्स्ट स्टेप स्टार्ट फ्रॉम एसिड बेस रिएक्शन, एंड देन गिव्स NO2+ स्पीशीज। आफ्टर दैट NO2+ गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड जनरेट नाइट्रोबेंजीन। एंड जनरेट नाइट्रोबेंजीन।